हमें कल धमकी दी गई और हमारे कश्मीर वाले वीडियो को कल टेक डाउन करवा दिया गया। जो गाना तूने अपनी स्टोरी पे लगाया हुआ है ना, ये गाना यूट्यूब पे दिखना नहीं चाहिए मेरे को। हैं गाइस, कैसे हैं आप सब। तो गाइस आज हम बात करने वाले ए टू मोटिवेशन यानी अरविंद अरोरा के बारे में। तो अरविंद अरोरा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया है क्योंकि अरविंद अरोरा का कश्मीर वाली एक वीडियो टेक डाउन करवा दिया गया। तो इसके ऊपर अरविंद अरोरा ने रिएक्ट भी किया है, तो क्या कहा हम सदा सकले देखते हैं। हमें कल धमकी दी गई और हमारे कश्मीर वाले वीडियो को कल टेक डाउन करवा दिया गया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्या डर था उस वीडियो से? अब तुम एक्सपोज हो रहे हो तो तुम्हें डर लग रहा है? अगर राठी का ये हक बनता है कि वो एक्सपोज करे, तो हमारा भी तो हक बनता है कि हम सच्चाई को सामने लाएं। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं डर जाऊंगा, तो मैं डरूंगा नहीं। आज फिर से उस वीडियो को रीअपलोड करूंगा मेरे यूट्यूब के चैनल पर, और इस बार मैं पूरे फैक्ट भी दूंगा ताकि आप लोगों को लगे कि ये सच है, ये झूठ नहीं है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे लिंक डालूंगा जहां से हमने वो स्क्रिप्ट बनाई है, जहां से हमने तथ्य निकाले हैं, पर मैं डरूंगा नहीं। आज शाम को 6 से 7 बजे के बीच वो वीडियो मैं फिर से अपलोड करूंगा और विद फैक्ट करूंगा। और मेरी भारत की जनता और हमारे व्यूअर से सिर्फ इतनी दरख्वास्त है कि इस बार हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि अगर इस बार आप सपोर्ट नहीं करोगे तो ये लोग फिर से हमारी वीडियो को टेक डाउन कर देंगे और सच्चाई फिर से छिप जाएगी। सपोर्ट करिए, थैंक यू। तो गाइस अब हम बात करने वाले फुकरांचन वर्सेस थारा भाई जोगिंदर के बारे में। तो जब थारा भाई जोगिंदर ने फुकरांचन और पुनीत सुपरस्टार के कंट्रोवर्सी के बीच आके उसके ऊपर रिएक्ट किया और रिप्लाई दिया, उसके बाद फुकरांचन ने भी इसके ऊपर रिएक्ट किया। तो फुकरांचन ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट डाले जहां पर लिखा है थारा भाई बंदर, और एक डिस्ट्रैक बनाया था बहुत दिन पहले थारा भाई जोगिंदर के अगेंस्ट, और उस डिस्ट्रैक का सॉन्ग भी लगाया। तो इस पोस्ट के बाद थारा भाई जोगिंदर ने फिर से इसके ऊपर रिएक्ट किया है और रिप्लाई दिया है। और साथ ही थारा भाई जोगिंदर ने कहा कि फुकरांचन ने पहले जितने भी रोस्ट वीडियो बनाए हैं थारा भाई जोगिंदर के पास, उस सब वीडियो को डिलीट करने के लिए भी कहा। तो थारा भाई जोगिंदर ने क्या कहा हम सोचा सकते देखते हैं। इंसान तेरी जली ना, चल तेरा इतिहास बताता हूं आज। अपना यूट्यूब चैनल खोल और नीचे की वीडियो जाके चेक कर, तूने थारा भाई जोगिंदर के नाम पर कितनी वीडियो अपलोड की हुई है। तूने मेरे ऊपर डिस्ट्रैक निकाला ताकि तू फेमस हो जाए इंडिया के अंदर। तू बिग बॉस गया उससे जाने से पहले तूने मेरे को कितनी कॉल की, जोगिंदर भाई मेरे को तुमसे मिलना है, मेरे को तुम्हारे साथ वीडियो बनानी है, तुम पैसा बताओ। मैंने तेरे को क्या बोला, मेरे को तेरे साथ कोलैब नहीं करना। तू बिग बॉस जा रहा था, मेरे को पता था, मैंने तेरे को कॉल करके पूछा कि भाई बिग बॉस जा रहा, तूने बोला नहीं। मैंने बोला तू जा, तू बहुत अच्छा करेगा, बहुत अच्छा गेम खेलेगा। और बिग बॉस के जाने से एक दिन पहले भी मैंने तेरे को आगे से कॉल करके यही बोला था कि भाई तू जा, तू मना क्यों कर रहा है। और बिग बॉस के आने के बाद तेरे को ऐसा लगने लग गया कि तू बहुत बड़ा स्टार बन गया। तू थारा भाई जोगिंदर के सामने कभी भी स्टार नहीं बन सकता, तेरे को 20 साल लग जाएगी फिर भी थारा भाई जोगिंदर जितना नाम नहीं कर पाएगा भारत के अंदर। मैंने लोगों की मदद की है, मैं पहले भी लोगों की मदद करता था, मैं आज भी लोगों की मदद करता हूं। तुम्हारे घर तुम्हारे सब्सक्राइबर तुम्हारे फैन तुमसे मिलने के लिए आते हैं, तुम्हारे पापा उनको वहां से भगा देते हैं। मैं सच बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं, पूछ अपने पापा से जाके। तुम्हारे गली का जो गार्ड है उसके खुद के वर्ड है कि इन लोगों के अंदर बहुत घमंड है, ये लोग मेरे को खुद बोलते हैं कि हमारे घर कोई नहीं आना चाहिए। अबे जिन लोगों ने तुम्हें स्टार बनाया, जब तुम उन लोगों से नहीं मिलते तो तुम अपने आप को स्टार कैसे बोल सकते हो। जो गाना तूने अपनी स्टोरी पे लगाया हुआ है ना, ये गाना यूट्यूब पे दिखना नहीं चाहिए मेरे को। तो गाइस अब हम बात करने वाले पुनीत सुपरस्टार और ध्रुव राठी के बारे में। तो पुनीत सुपरस्टार फर्क है ध्रुव राठी के ऊपर, लेकिन क्यों हम देखते हैं। बेटा ध्रुव राठी, जितनी तू मोदी सरकार को गालियां दे सकता है ना दे बेटा, अब तू अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दे। और तुम लोग सालो मोदी सरकार के भक्तों, ये आदमी मोदी सरकार को गालियां पे गालियां देकर वीडियो वायरल करवा रहा है, और तुम लोगों ने चूड़ियां पहन रखी है सालो। इसकी आईडी हैक करवाओ, इसको ट्रोल करवाओ, इसकी कंप्लेंट चलवाओ। तो गाइस अब हम बात करने वाले हैं कैरी मिनाटी वर्सेस रजत दलाल के बारे में। तो मेरे पिछले एक वीडियो में आप सभी को बताया था कैरी मिनाटी और रजत दलाल के कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में। तो कैरी मिनाटी ने रजत दलाल को अपने एक वीडियो पर रोस्ट किया था, और उसी वीडियो के ऊपर रजत दलाल ने रिएक्ट करके रिप्लाई दिया था और कहा था कि कैरी मिनाटी को वो वीडियो क्लिप ट्रिम कर दे। तो फाइनली कैरी मिनाटी ने इसके ऊपर रिएक्ट किया और पोस्ट डाला है जहां पर लिखा है, जैसा कि पहले कई बार बताया जा चुका है कि हम मनोरंजन के उद्देश्य से कंटेंट रोस्ट वीडियो बनाते हैं बिना किसी व्यक्तिगत एजेंडे के। वैसे भी हमारे नवीनतम वीडियो में एक स्किट भाग में रजत भाई ने इसे अपराध के में लिया है, इसके लिए खेद है, और उनके अनुरोध के अनुसार वीडियो के स्किट भाग को काट दिया गया है। यानी कैरी मिनाटी ने जो रजत दलाल को रोस्ट किया था उस वीडियो क्लिप को ट्रिम कर दिया है। और साथ ही और एक पोस्ट डाला है जहां पर लिखा है, असली जिंदगी में सिग्मा बेटा अल्फा सब बनना पड़ता है।